हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? बच्चा जी कैसे हो सबके सब? सब बच्चों को सबसे पहले तो प्यार भरी नमस्कार। तो बच्चा, आज की इस क्लास के अंदर आप थंबनेल देखकर के भागे भागे आए कि यार मैम, हम लोगों को क्लास 12th आईपी का सिलेबस बताने वाली है, जो कि रिवाइज सिलेबस है। हाँ तो बच्चा, बिल्कुल हम लोग यहाँ पर 2021 और 22 का रिवाइज सिलेबस है जो देखने वाले हैं। इतने दिनों से आप लोगों को इंतज़ार था, जब से अनाउंस हुआ है कि टर्म वन होगा एंड टर्म टू होगा, इस तरीके से MCQs होंगे, तो हमें यार पता ही नहीं चल रहा था कि हम शुरू कहाँ से करें सारी चीज़ें। मतलब कैसे हम लोग कहाँ से कौन सा पोर्शन पढ़ें और कौन सा पोर्शन ना पढ़ें। अब डर था कि यार अगर ऐसा पोर्शन पकड़ लिया जो टर्म टू में आना, और या फिर जो किसी भी टर्म में नहीं आना, जो डिलीट होना है ना, तो उस चीज़ का डर था। खैर, पढ़ा लिखा तो कभी वेस्ट जाता नहीं है, बट फिर भी एक बार तो होता है ना कि हम वो पढ़ लेते जो पेपर में आना होता है ना, ये ह्यूमन नेचर है ऐसा ही। तो चलिए, अब आपके सारे जो प्रश्न थे उन सबको हम लोग विराम देते हुए और पर सिलेबस डिस्कशन है जिसको स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो 12th IP के अंदर आएंगी? तो सबसे पहले मैं इस लेक्चर के अंदर आपको बताऊँगी कि आपको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। दूसरा, मैं बताऊँगी कि क्या पोर्शन डिलीट हो चुका है। और तीसरा, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि आपको क्या पढ़ना है डिलीशन के बाद में, टर्म वन और टर्म टू के अंदर। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल बच्चा, आप लोग CBSE की वेबसाइट के ऊपर जाओगे। तो जैसे आपने CBSE की वेबसाइट खोली, तो यहाँ पर नीचे ही आपको दिखाई दे जाएगा न्यू नोटिफिकेशन आ रखा होगा। इस लिंक पर आप क्लिक करोगे। अगर आप थोड़े दिनों बाद करोगे तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर कि आप टर्म वन के अंदर जाओ, टर्म वन करिकुलम। तो अब आप अगर 9th 10th वाले बच्चे हैं तो आप यहाँ पर, अगर आप 11th 12th के हैं तो यहाँ पर क्लिक करोगे। तो मैंने जैसे ही एकेडमिक्स के ऊपर क्लिक किया तो टर्म वाइज सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस मेरे पास ओपन हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस वाले को ओपन करूँगी एंड इसको मैं डायरेक्टली जो है डाउनलोड कर लूँगी। तो मैंने इसको काफ़ी बार डाउनलोड कर लिया है, फिर भी कर लेते हैं। अब हमारा ये सिलेबस डाउनलोड हो गया, तो अब मैं एक बार ना इसका ओवरव्यू आपको बता दूँ, इसको मैं एक बार आपको कंपेयर करके दिखा दूँ आपके डिलीट हुए पोर्शन जो पुराना सिलेबस है उसके साथ में, तो आपको डिलीट हुआ पोर्शन भी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं और कितनी चीज़ें हैं जो अब आपको करनी है। तो चलिए, ये है आईपी, ये है आपका 12th, ओपन हो जाइए 12th। हम ज़्यादा नीचे आ गए। ओके, तो ये आपका 12th है। अब मैं बता दूं कि ये ओल्ड वाला सिलेबस है, इसमें से हम देखेंगे कि क्या डिलीट हो चुका है। तो हम बिल्कुल नीचे लाएंगे इसको और देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर चेंज आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है जो देखने को मिलेगा। सो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये 30 नंबर का था जो अब 25 नंबर यहाँ पर ले रहा है, यानी कि 5 नंबर इसके कम हो गए यहाँ से। अब ये 5 नंबर कहाँ पर जुड़ेंगे, क्या होगा, देखते हैं। अब फिर आपका अगला आता है SQL, जो कि 25 नंबर ही है, पहले भी था और अभी भी। नेटवर्किंग आपका 7 नंबर का था जो 10 नंबर का हो गया। सोसाइटिकल इम्पैक्ट आपका 8 का था जो 10 का हो गया, ठीक है। तो ये नंबर आपके यहाँ पर आ गए। अब देखिए, आपका इस तरीके से ये वाला नया सिलेबस है, ये वाला नया सिलेबस है जिसमें आपको चेंज है जो देखने को मिल रहा है। अब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, बहुत सिलेबस कम हुआ है अगर हम बात करें तो। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, सबसे पहले टर्म वन के अंदर, तो टर्म वन में देखिए आपको यहाँ पर डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन, तो जो आपको 25 नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये कैरी कर रहा है। सोसाइटिकल इम्पैक्ट आपका 10 नंबर का है, तो टोटल मिलाकर के आपके 35 मार्क्स का यहाँ पर बनेगा पूरा का पूरा टर्म वन। अब चलिए हम लोग ये पोर्शन देखते हैं कि भाई डिलीट क्या हुआ है। ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है ये आपका टर्म वन है, ठीक है, ये पोर्शन आपका टर्म वन के अंदर आपको करना है। और अब रेड वाला पोर्शन कौन सा है? रेड वाला वो वाला पोर्शन है जो आपका डिलीट हुआ है सिलेबस से, ठीक है। तो देखिए, अब मैं इसको भी उतना ही कर लेती हूँ मिनिमाइज़, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपके पास में ये येलो वाला पोर्शन है जो आपका है, और रेड वाला पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है, यानी कि पांडा पार्ट टू कम्प्लीटली सिलेबस से रिमूव है। डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर आपके पास में 3 ही यहाँ पर जो है ग्राफ रह गए हैं, एक तो प्लॉट है आपके पास में, एक तो लाइन प्लॉट है और एक दूसरा बार ग्राफ है और तीसरा हिस्टोग्राम है। बाकी आपका फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, बॉक्स प्लॉट, ये स्कैटर प्लॉट, सब प्लॉटिंग आपके डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आपके हैं। नेक्स्ट ये भी है आपके पास में,
कौन सा कस्टमाइजिंग प्लॉट और ये सब टाइटल वाइटल किस तरीके से लगाना है, ये खैर तो ये तो नेचुरल सी चीज़ है कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, ना भी लिखा होता तो भी, बाकी फिर ग्राफ के अंदर रह के आ गया अगर ये नहीं करेंगे तो। फिर आपका पिंक वाला पोर्शन देखिए, आपका पिंक वाला पोर्शन है जो कि आपका आएगा टर्म टू के अंदर। वैसे मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये वाला पोर्शन आपका यूनिट नंबर 4 है, ये टर्म 1 का ही पार्ट है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, अब टर्म 2 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ठीक है, कि क्या डिलीट हो चुका है बड़ा बड़ा करके। ओके, तो ये आपका येलो वाला पोर्शन है टर्म 1 का पोर्शन, ठीक है, इसमें बीच बीच में आपको बता रखा है। फिर रेड वाला पोर्शन डिलीट हो चुका है, रेड वाला पूरा डिलीट है, डेटा विजुअलाइजेशन आपका आएगा टर्म 1 के अंदर। पिंक वाला पोर्शन आपका है टर्म 2 का पोर्शन, और इसमें से आपके जॉइंट्स वॉइंट्स सब निकल चुके हैं, ठीक है। और फिर आपका जो है नेटवर्किंग पूरा का पूरा है, कुछ डिलीट हुआ नहीं है। सोसाइटिकल इम्पैक्ट जैसे कि आपका टर्म 1 का पोर्शन है, इतना आपने देख लिया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको फाइल के अंदर कैसे कैसे चीज़ें हैं जो करनी है। ये जो येलो वाला पोर्शन है ये आपका टर्म 1 के अंदर है, और रेड वाला पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है। अब येलो वाला पोर्शन टर्म 1, पिंक वाला पोर्शन आपका टर्म 2, और रेड वाला डिलीट हो चुका है। तो ये आपके सारे के सारे हैं जो चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। टर्म 2 में आपको बहुत बड़े बड़े करके दिखा दूँ यहाँ पर, 25 नंबर और 10 नंबर, यानी कि नेटवर्किंग और SQL आपके पास में टर्म 2 के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ भाई आपका सिलेबस डिस्कशन। एंड अब मैं आपको यहाँ पर एक बार डिटेल के अंदर बता देती हूँ कि भाई पढ़ना क्या है। मैंने सबके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिए। तो देखिए आपके पास में ये 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 टोटल ये सारी यूनिट हैं, तो नंबर भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है। अब टर्म 1 की अगर मैं बात करूँ तो टर्म 1 में आपको सिर्फ पांडा पढ़ना है, मैटप्लॉटलिब या डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ना है, और सोसाइटिकल इम्पैक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है टर्म 1 के अंदर। टर्म 1 में ये सारी चीज़ें आएंगी अगर हम डिटेल की बात करें तो, पांडास पार्ट 1 और ये डेटा विजुअलाइजेशन और सोसाइटल इम्पैक्ट आपके पास में। अब अगर मैं टर्म 2 की बात करूँ तो पूरा कंप्लीट SQL है, पूरा कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, 25 और 10 नंबर, 35 मार्क्स। चलिए अब इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। डिलीट पोर्शन बता दिया आपको, जॉइंट्स वॉइंट्स सब डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेटवर्किंग की, तो ये भी सिंपल इजी फंडा कर दिया है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर आपको नेटवर्किंग में ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। चलिए इतनी सी बात है जो आपको देखनी है सिलेबस के अंदर, मतलब काफ़ी हद तक आपका सिलेबस है जो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन फील हो रहा होगा। अफकोर्स CS और IP के अंदर तो हो ही रहा होगा, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है जो नहीं थोपा गया है। आप चीज़ों को एक्चुअल में समझ करके यहाँ पर पढ़ोगे, क्योंकि इतना सा पोर्शन है, अब आप उसको उतने ही डिटेल में पढ़ोगे और क्वेश्चन भी उतनी ही डिटेल में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा पोर्शन रहा 12th IP का। तो बच्चा यानी कि सारी चीज़ें CBSE ने आपके लिए सेट कर दी हैं, अब मतलब एक भी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि मैं अगर इफ़ कंडीशन लगा दूं कि ऐसा हो जाए तो क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं। मतलब इसका तो CBSE ने बोला कि नाम भी मत लेना इस बार, कि ठीक है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए हमारे, राइट। इसका तो आपको नाम भी नहीं लेना है, क्योंकि उसने पहले सारी चीज़ें ठोक ठोक के मतलब क्लियर कर दी हैं बच्चों के लिए कि भाई टर्म 1 है, ऐसा होगा तो ये कर लेना, वैसा होगा तो ये कर लेंगे, टर्म 2 में अगर ऐसा हुआ तो हम वो करेंगे, टर्म 2 में ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे, ठीक है। बाकी कुदरत का खेल है, जो होना है वो होगा ही होगा, है ना। हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, और ये कोशिश वाकई में तारीफ़ के काबिल वाली कोशिश है, है ना, कि एक अच्छे तरीके से हम जजमेंट कर पाएँ आप लोगों का, और आप भी एक अच्छे तरीके से अच्छी पढ़ाई है जो कर पाएँ। चलिए अब बच्चा अनअकैडमी के ऊपर आप लोगों को जो है चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब देरी किस बात की, तो अगर आप बच्चा अगर इस लेक्चर को देख रहे हो आज की डेट में 24 तारीख 25 तारीख तक को, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको कल एक टेस्ट देना है जिसको मेगा कॉम्पैक्ट का नाम दिया गया है। मेगा किस लिए, क्योंकि इसमें जो प्राइस है ना वो 2 करोड़ तक हो चुका है, है ना। तो बच्चा इसके अंदर आपको पेपर देना है 25 तारीख को दोपहर को 1 बजे, 11th और 12th, तो आप यहाँ पर बहुत सारे प्राइज़ है जो जीत सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा। एंड वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट है जो होता है, 11th के लिए अलग लिंक है, 12th के लिए अलग लिंक है।
राइट अब बच्चा आपके लिए सारी क्लासेस हैं जो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं, टर्म वन के अकॉर्डिंग भी, टर्म वन के अकॉर्डिंग, और मेरी भी क्लासेस हैं जो स्टार्ट हो जाएंगी. एंड ऑफ कोर्स हम लोग हैं जो पूरे जोश के साथ में पढ़ाई है जो स्टार्ट करेंगे. तो आप लोगों को अगर प्लस के अंदर अगर आप आना चाहते हो तो ज़रूर आपको आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्पेशल क्लास में स्पेशल फील हो रहा है और आप चाहते हो कि हमें नेक्स्ट क्लास जल्दी से जल्दी मिले, तो बिल्कुल आप आ सकते हो प्लस के ऊपर, क्योंकि आपके पास में एक ऑफ़र भी चल रहा है 25 तारीख तक. अब अगर आते हो तो देखिए 12, 15, 18, 24, 36 जितने भी मंथ आप एक्सटेंड करोगे, मतलब जितना भी बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे उतना फ़ायदा आपके लिए ज़्यादा होगा, कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 14 महीने में बदल जाएगा, 15 वाला उसके 2 महीने ऊपर चलेगा, 18 वाला उसके 2 महीने, 24 वाला उसके 4 महीने ऊपर चलेगा. तो ये ऑफ़र है, इसके अंदर आप आओगे तो आपको जो है पैसों से फ़ायदा मिलेगा, एंड ऑफकोर्स उससे भी बढ़ करके मैं कहूँगी यहाँ पर जो आपको फ़ायदा मिलने वाला है वो है कि आप अपना टाइम सेव कर पाओगे, कि आपको एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बैच स्टडी है जो मिलेगी. आपको टेंशन नहीं लेनी कि अरे इससे पहले तो टर्म वन हुआ ही नहीं है, एमसीक्यूज़ कभी हुए ही नहीं है, तो इतने सारे एमसीक्यूज़ कहाँ से लाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, अभी तक तो कोई बुक भी नहीं बनी होगी, है ना. तो ये जो सारे सवाल हैं आपको इनके बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी है. हम आपको बताएंगे कि आपको अच्छे तरीके से नंबर लाने वाली पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है. तो अब आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो. तो अगर आप 11th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, तो आप गेट सब्सक्रिप्शन वाले पेज पर जाओगे अपनी क्लास चूज़ करने के बाद में. तो जैसे ही आप अपनी क्लास चूज़ करके सब्सक्रिप्शन वाले पेज पर पहुंचोगे तो ये आपसे पूछेगा भाई आइकॉनिक लेना है या फिर प्लस लेना है. तो आप जो भी आप यूज़ करो यहाँ पर, जैसे मैं LA Live अपना कोड यूज़ करूँगी, तो जैसे आप अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे तो ये अप्लाई होकर के आपको बताएगा 10% के डिस्काउंट के बाद में कि इतना प्राइस है. प्लस के थ्रू प्लस में आ सकते हो, यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको, हमारा कोड नहीं भूलना है, दैट इज़ LA Live. तो सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, CBSE ने सब कुछ आपके लिए तैयार कर दिया है. अब बारी है सिर्फ आपकी शुरुआत की, तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो. कोई भी शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर. सपने हमने बहुत बड़े बड़े सोच लिए, हमने सोच लिया कि मंजिल मेरी वो है, लेकिन मेहनत, हाँ बात तो सारी वहीं पर आकर के रुक जाती है. क्या वो शुरू किया आपने? मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप अपने आप से ये चीज़ पूछेंगे, क्या वाकई में हमने स्टार्ट कर दी है मेहनत करना, है ना. तो ये जो शब्द है ना, ये बहुत प्यारा शब्द है, यही हम लोगों को हमारी मंजिल तक लेकर के जाएगा और यही हमारे रास्ते संवारने वाला है, ठीक है. बैठ करके आराम से कुछ नहीं होता है. अगर हम सोच रहे हैं तो यार फिर वो टेस्ट ही क्या उस सक्सेस का, है ना, जिसने हमें पसीने में बहाया ना हो, जिसने हमें रुलाया ना हो, है ना. तो वो टेस्ट नहीं आता है तब तक सक्सेस का. तो अगर हमें अच्छे से टेस्ट करना है तो हमें तपना वैसे ही पड़ेगा, है ना. तो चलिए, आई होप मैं आपको इतना मोटिवेट कर पाई होंगी कि अब आप आराम से बैठ करके अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे एंड स्टार्ट है जो करेंगे. अभी तक नहीं हुआ कुछ भी, कोई बात नहीं, अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो चलिए बच्चा, इसी सोच के साथ में कि आप लोग हैं जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एंड चलिए फिर मिलते हैं आपको क्लास के अंदर. बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.